बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि COVID-19 पूरे देश में फैला हुआ है अभी भी, और अभी भी उससे बचाव के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं उससे, तो आप लोगों के स्कूल्स भी बहुत टाइम से बंद हैं, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, और जाहिर सी बात है कि घर पर रहकर ही सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई के लिए वर्कशीट आती है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आ रही है हर एक सब्जेक्ट की, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आती है, जिनमें से एक ड्राइंग सब्जेक्ट है आपका। अब हम लोगों ने स्कूल में ही आप लोगों के लिए ड्राइंग सब्जेक्ट की वर्कशीट तैयार करनी शुरू कर दी है, जो आपको हर वीक ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती हैं। नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता कि हम उसको कैसे करें, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए आज से वीडियो तैयार करनी शुरू कर दी है। मैं आप लोगों के लिए वर्कशीट नंबर 1 से लेकर और जो भी आगे वर्कशीट आएंगी उन पर बेस्ड मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को वर्कशीट में जो भी काम आपको दिया जाएगा वो सब चीज मैं बताऊंगी, समझाऊंगी और प्रैक्टिस कराऊंगी। इसी तरह से आप लोगों को असेसमेंट दिए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही समझाऊंगी, जिसे आप समझ के अच्छे से कर पाओगे। कि 15 अगस्त को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन संपूर्ण भारत देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, और हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है। जैसा कि आपकी वर्कशीट नंबर 1 में आपका पहला क्वेश्चन है कि सभी को पता है कि 15 अगस्त जो है हमारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस दिन सभी स्थानों पर, स्कूलों में, ऑफिसेज में और हर एक जगह पर जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उस राष्ट्रीय ध्वज को आपको अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाना था। सभी बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज बनाना तो आता ही है, मैं एक बार आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह की आकृति होती है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे ऊपर का भाग किस रंग का होता है? केसरिया रंग का, जिसको हम सैफ्रन बोलते हैं। मिडिल पार्ट होता है हमारा सफेद रंग का, जिसको हम व्हाइट बोलते हैं, और सबसे नीचे का भाग होता है हरे रंग का, जिसको हम ग्रीन बोलते हैं। इस बीच के हिस्से में एक चक्र होता है, जिसमें 24 लाइंस होती हैं इस तरह से। और ये चक्र होता है हमारा नीले रंग का। तो इस तरह से हमारा नेशनल फ्लैग तैयार हो जाता है। तो बच्चों, ये जो आपको कलर बताए गए हैं, ये ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के कलर होते हैं, और ये कलर आप पेंसिल कलर यूज कर सकते हो, वाटर कलर यूज कर सकते हो, पेस्टल कलर यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हो।
आपको ये अपनी ड्राइंग बुक में बनाना है। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कलर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेंसिल कलर ले रही हूँ जो कि केसरिया रंग का है हमारा, यानी कि सैफरन कलर का है। ध्यान रहे कि लाइन से बाहर कलर ना जाने पाए, इस तरह से यहाँ पर हमने अपने नेशनल फ्लैग के ऊपरी हिस्से में केसरिया रंग कंप्लीट कर दिया है। पेंसिल कलर यूज किया था। अब मैं यहाँ पर ये मेरा ऑयल पेस्टल कलर है जो मेरे पास था, मैं आपको वो यूज करके दिखा रही हूँ ग्रीन कलर में। लाइन से बाहर नहीं निकलने देना है कलर। अभी मैंने आपको पेस्टल कलर यूज करके दिखाया था कैसा इफेक्ट आता है उसका। अब मैं आपको ये चक्र है वो स्केच कलर से करके दिखा रही हूँ। आप इसकी आउटलाइन भी कर सकते हैं। ये आपका नेशनल फ्लैग बनके तैयार हो गया। तो आप सब बच्चे अपनी ड्राइंग बुक में इसको बनाकर तैयार रखेंगे। ये आपका वर्कशीट नंबर एक का क्वेश्चन नंबर एक था। आपका वर्कशीट नंबर एक का क्वेश्चन नंबर टू है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साइड में। इसमें क्वेश्चन नंबर टू में है कि आपको नीचे दिए गए चित्र में लिखे हुए रंगों के नाम के अनुसार रंग भरकर चित्र को पूरा करना है। ठीक है, आपको चित्र में एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। मैं आप पूरा बनाकर दिखा देती हूँ आपको। हाँ तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन नंबर टू में इस तरह के एक गोला दिखाया गया है जिसमें तीन पत्तियां बनाई गई हैं और उसमें कलर्स के नाम लिखे हैं। इसमें लिखा है लाल रंग, इसमें लिखा है नीला रंग और इसमें लिखा है पीला रंग। लाल, नीला, पीला, रेड, ब्लू और येलो। अब ये तीन ही कलर यहाँ क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं जिनको हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। कौन कौन से हैं? लाल, नीला और पीला। ये किसी दूसरे रंग को मिलाने से नहीं बनते हैं, बल्कि इन रंगों को आपस में मिलाने पर हमें अन्य रंग प्राप्त होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। द्वितीय रंगते वो कौन कौन सी होती हैं? अब देखिए, जैसे कि हमने लाल और पीले रंग को मिक्स करना है। मैं यहीं पर आपको करके दिखा रही हूं। सबसे पहले हमने येलो कलर ले लिया और हमने इस खाली स्पेस में भर दिया, यानी कि लाल और पीले वाले, पीले के बीच में जो खाली स्पेस है वहां हमने इसको फिल कर दिया। और उसके बाद में हमने रेड कलर ले लिया है जो हम उसके ऊपर से ऐसे कर देंगे। एक बार फिर से हम ऊपर से येलो कलर कर देंगे। देखो बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ऑरेंज कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तरह से दो रंगों को मिलाने से, यानी कि दो प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाने से हमें क्या मिला? सेकेंडरी कलर मिला, यानी कि द्वितीय रंग प्राप्त हुआ।
तो हमारे पास लाल और पीले को मिलाने से क्या बना? नारंगी रंग। एक रंग तो हमें ये मिल गया। अब आप देख रहे होंगे कि लाल और नीला, तो हम इस खाली स्पेस में भी यही कलर करेंगे। सबसे पहले हम जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि अब कौन कौन से कलर को मिलाकर कौन सा रंग मिलेगा। जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से जवाब दें। देखते हैं कौन सा कलर तैयार होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लू कलर कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया है। आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ पर नाम लिख कर छोड़ दिए हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इफेक्ट्स दिखाने के लिए यहाँ पर कलर किए हैं। अभी मैं इनको भी फिल करके दिखाऊंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर कर दिया है। अब दूसरा कलर कौन सा है हमारा यहाँ पे? रेड कलर। तो हम उसको भी यहाँ पर इस तरह से ब्लू के ऊपर कर लेंगे। एक बार फिर से रेड कलर करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेड और ब्लू को मिलाने से हल्का सा पर्पल कलर हमें दिखाई दे रहा है। लाल और नीले रंग को मिलाकर हमें कौन सा कलर मिलता है यहाँ पर? वायलेट कलर। इसको हम बैंगनी भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ब्लू और येलो के बीच का पार्ट खाली है। देखते हैं इन दोनों रंगों को मिलाकर कौन सा रंग बनता है। तो सबसे पहले हम कौन सा कलर करेंगे? येलो कलर। हाँ तो बच्चों, आप जल्दी से बताओ कि इन दोनों कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर हमारे पास आएगा? जल्दी से बताओ। देखते हैं कौन बच्चा सबसे जल्दी जवाब देता है। येलो कलर हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि येलो के ऊपर जैसे ही हमने ब्लू कलर को चलाना स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पर हल्का सा ग्रीन कलर दिखाई देने लग गया। अब हम ऊपर से एक बार फिर से येलो कलर, ग्रीन कलर खुद ब खुद उभर कर आ गया है। तो हमने क्या देखा? ब्लू और येलो को मिलाकर कौन सा रंग बना? यानी कि पीले प्लस नीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनाया है? हरा रंग। तो हमारे पास कौन कौन से ये प्राइमरी कलर्स कितने थे? तीन, रेड, येलो और ब्लू। और ये तो हो गया हमारे प्राइमरी कलर्स। और सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से थे जो हमें प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाने पर मिले? वो कौन से थे? लाल और पीले को आपस में मिलाया क्या बना? नारंगी कलर। रेड प्लस येलो इज इक्वल टू नारंगी। इसी तरह से रेड प्लस ब्लू क्या बना? वायलेट, यानी कि बैंगनी कलर। तीसरा हमारे येलो प्लस ब्लू को मिलाकर क्या बना? ग्रीन कलर। तो बच्चों, इस तरह से आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कलर चार्ट तैयार हो जाता है। आप इसको कंप्लीट करके अपनी ड्राइंग बुक में बनाकर तैयार कर लें। वर्कशीट नंबर 1 का था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों, अब हमारा वर्कशीट नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है कि अपनी पसंद के, अब वो फल कोई से भी हो सकते हैं बच्चों, या तो आप आम बना लीजिए, सेब बना लीजिए, केला बना लीजिए, जो भी फल आपको पसंद है आप उसको बना सकते हैं। तो फल बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप आम कैसे बना सकते हैं। सब बच्चे शुरू से 1, 2, 3 लिखना तो जानते ही हैं, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? तो मैं आपको आम बनाना बताती हूँ कि आप इजी तरीके से आम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपने 2 बना लीजिए। 2 बन गया। अब इस सिरे को आप
थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से अंदर लेकर जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे दिया। अब आप ये हिस्सा जो है आप इरेजर से इरेज कर देंगे। देखिए बच्चों, जब आप ये इरेज कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ यहाँ पर आकृति जो है हमारे पास आम की तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने हाथ से ठीक कर लेंगे। देखिए बच्चों, हमने टू बनाकर किस तरह से आम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक टहनी बना देंगे। अगर आपको आम की पत्ती बनानी है तो इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आम की पत्ती बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेब कैसे बना सकते हैं। सेब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक गोलाकृति बना लेंगे इस तरह से। उसको इस तरह से ऊपर से कर लेंगे और इसी तरह से नीचे से कर लेंगे। ये धनुष, धनुष की आकृति ऊपर बना लेंगे और एक धनुष की आकृति नीचे बना लेंगे। अब थोड़ा सा किनारे से इसको हम इस तरह से मिला देंगे। बच्चों, मैं आपको थोड़ा डार्क पेंसिल चला के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ठीक से दिखाई दे। आप लोगों को पेंसिल बहुत लाइट चलानी है जिससे कि नीचे का जब आप लाइन मिटाओ तो वो दिखाई ना दे। देखिए, जितनी हमें शेप चाहिए उतनी ही फिर आपको वो मिल जाएगी। अगर आप ज्यादा डार्क पेंसिल चलाएंगे तो वो फिर दिखाई देगी। देखिए बच्चों, इस तरह से हमारे पास एप्पल की शेप तैयार हो जाती है। इसको हल्का सा हम यहाँ से इस तरह से बहुत हल्की लाइन से मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी एक टहनी निकाल देंगे। इस तरह से हमारी एप्पल तैयार हो जाती है। अब हम सोचते हैं कि हम उसमें शेड कैसे करेंगे। जो शेड कैसे करी जाती है मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये हमारे पास टॉर्च है। हमने इसको जलाकर बॉक्स के एक साइड में रख दिया तो हम क्या देखते हैं कि जिस तरफ से टॉर्च लाइट पास कर रही है उस टाइम उस साइड पर बहुत ज्यादा आपको लाइट नजर आएगी, ठीक है। और हमने कोई लाइट जलाई है, टॉर्च जलाई है, तो जब उसमें से रोशनी निकलती है तो बॉक्स के इस साइड में आपको लाइट दिखाई देगी, बहुत ज्यादा लाइट। तो वो हिस्सा एक तरह से सफेद नजर आएगा और ठीक उसी के अपोजिट यानी कि ये हिस्सा उसके दूसरी साइड का हिस्सा आपको डार्क नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वहां पर परछाई नजर आएगी। तो बॉक्स का एक हिस्सा लाइट हो गया और दूसरा हिस्सा डार्क हो गया। इसी तरह से हमें हर एक चीज में लाइट और डार्क के थ्रू शेड दिखाई जाती है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब हम आप अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमारे फ्रूट्स तो बनकर तैयार हो गए, अब हमें उनमें शेड करनी थी। अब वही तरीका जो मैंने आपको अभी ड्रॉइंग के थ्रू समझाया था वही हम इस पर अप्लाई करेंगे कि मान लीजिए हमारे फ्रूट पर इधर से लाइट आ रही है तो हमारा फ्रूट का ये वाला बैक साइड का हिस्सा जो है वो क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो हम शेड किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हल्के हाथ से करनी शुरू करेंगे। इस हिस्से को हम हल्के हल्के हाथ से डार्क करना शुरू कर देंगे। अभी हम यहाँ पर शेडिंग के लिए एक नॉर्मल पेंसिल यूज कर रहे हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में शेड करने का सही तरीका, किस पेंसिल से किस तरह से शेड करी जाती है ये भी बताऊंगी। देखिए बच्चों, इस तरह से हम लाइट और डार्क करके शेड दिखा सकते हैं।
इसी तरह से हम पत्ती में देखिए बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला हिस्सा लाइट है क्योंकि यहाँ पर जो है वो रोशनी पड़ रही है, और ये वाला हिस्सा डार्क है क्योंकि यहाँ पर शेडो दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से हम हर एक चीज में डार्क लाइट दिखाकर शेड कर सकते हैं। उसी तरह से हम अपनी एप्पल में भी शेड करेंगे। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर तो बिल्कुल आपको लाइट दिखाई दे रही है, इस हिस्से में थोड़ा सा डार्क दिखाई दिया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क है, हैवी डार्क। इसी तरह से शेड की हम तीन टोन दिखाते हैं जिसमें एक तो लाइट रहेगी, दूसरी मीडियम रहेगी और तीसरी रहेगी डार्क। इस तरह से हम किसी भी चीज में शेड दिखा सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी पसंद का कोई भी फल बना सकते हैं और उसमें शेड कर सकते हैं, और आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करके अपनी ड्राइंग बुक में कर लेना है। इस तरह से हमारा वर्कशीट नंबर का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी वर्कशीट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि कमल का फूल बनाकर रंग भरिए। अगर आप बच्चों को कमल का फूल भी बनाना सीखना है और उसमें रंग भरने सीखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी।